भैया स्वागत है आपको हमारे चैनल बहुत दिनों के बाद में। और आज हम ऐसे एक्टर का वीडियो बनाएंगे जिसका नाम में ही राज है, तो ये है स्वराज 733 जो कि न्यूली लॉन्च है। और जो सलाह क्या रहे वही सब जो जानकारी वो यही देंगे, क्योंकि ये स्पेशली भाई अलवर से आए हैं यहाँ पे क्या ट्रेनिंग वेनिंग देने के लिए। तो अब आप यदि शुरुआत करते हैं यहीं से। दोस्तों ये स्वराज 733 एफी जो न्यूली लॉन्च है, और जो इसके बारे में जो भी सारी जानकारी देंगे ये स्पेशल स्वराज कंपनी की तरफ से आए हैं। यहाँ पे जहाँ किशनगढ़ डेनवाल, यहाँ पे स्वराज का नया शोरूम खुला है, तो ये कंपनी के एम्प्लॉई है। जो भी आगे की जानकारी हो सारी ये यही देंगे। ठीक है सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आपके नाम से शुरुआत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह भट्टी है। अच्छा, मैं स्वराज ट्रैक्टर कंपनी जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हमारा एरिया ऑफिस जयपुर में है, वैशाली नगर में। और हमारा जो स्वराज ट्रैक्टर है ये चंडीगढ़ मोहाली में बनता है, पंजाब में। अच्छा, तो अभी हमारा जो साथ खड़ा है ये पहली बार लॉन्च हुआ है ना इस मॉडल के साथ? ये जो मॉडल है कंपनी ने आपको अभी नया लॉन्च किया है। अच्छा, एक प्रीवियस मॉडल आपको अभी ट्रैक्टर दिया है, ये लॉन्च किया है। ये ट्रैक्टर 733 फ्यूल एफिशिएंट इंजन के साथ है। अच्छा, तीन सिलेंडर इसका, आओ आपको बताया जाए पास में थोड़ा। ये यहाँ से ये स्वराज का लोगो है लगा हुआ है, इस पर न्यूली लुक थोड़ी सी दी है इसमें जी। 733 FE फ्यूल एफिशिएंट इंजन। अच्छा, FE का फुल फॉर्म ये है? हाँ जी, इसका फुल फॉर्म ये है, फ्यूल एफिशिएंट इंजन। अच्छा, तीन सिलेंडर दिया गया है ये। हाँ, 39 HP का ट्रैक्टर है ये। हाँ, 36 से 39 HP का। अच्छा अच्छा, और फ्रंट एक्सल जो इसमें दिया गया है वो स्ट्रेट फ्रंट एक्सल है, ये फिक्स है। और जो टायर दिए गए हैं इसमें वो 616 के हैं। अच्छा अच्छा, और ये इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इसकी जमीन से जो ऊंचाई है, हाइट है, वो ज्यादा है, जिससे कि ये टर्निंग रेडियस ज्यादा देता है। हाँ। मतलब किसान को ट्रैक्टर को घुमाने के लिए, मोड़ने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगता, मतलब ज्यादा और इजीली घूम जाता है, जल्दी घूम जाता है, कम जगह में घूम जाता है। ऑयल बाथ एयर क्लीनर दिया गया है इसमें। सिंगल टाई रॉड दी गई है। अच्छा, और इसमें HSP पावर स्टीयरिंग दिया गया है, पावर स्टीयरिंग वाला जी। ये स्पेशल एक फीचर्स है जो इसमें दिया गया है। ज्यादातर लोगों को पावर स्टीयरिंग का यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे पावर स्टीयरिंग है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसका सिलेंडर और उसके पाइप्स यहाँ दिए होते हैं, जिससे कि किसान को पता चलता है कि ये पावर स्टीयरिंग है। अच्छा। लेकिन इसका क्या, अपने पंप जो दिया है वो यही दे दिया है। अच्छा, स्टीयरिंग के नीचे? स्टीयरिंग के नीचे दे दिया है। और इसका जितने भी फिटेड है ये अंदर ही अंदर है, इसका बाहर किसी को नोटिस नहीं होता, पता नहीं चलता कि बाहर। अच्छा, मतलब थोड़ा कोई मतलब फालतू के सामान देखने को नहीं मिलते बाहर, नहीं पता चलता। और इसका फायदा ये है कि जैसे कि किसान कई बार ट्रॉली में चलते हैं या कहीं ऐसी जगह चलते हैं कि नीचे से कोई चीज लगती है तो पाइप फट जाता है या टूट जाता है, तो नीचे से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है। तो ऊपर यहाँ पे क्या है, इसकी फिटिंग ऊपर दे रखी है तो ऊपर मेंटेनेंस नहीं आता। तो जैसे भी आप बता रहे पावर स्टीयरिंग में है, तो इसमें क्या मैनुअल ऑप्शन भी आता है कि इसमें? जी, इसमें मैनुअल ऑप्शन भी आता है। तो फिर प्राइस रेंज में भी थोड़ा फर्क होगा? इसमें 15,000 रुपए का गैप है। ये भी कितने का पड़ रहा है पावर स्टीयरिंग के साथ में? ये आपको पड़ जाएगा 6,11,000 का। और वो बिना उसके? वो पड़ जाएगा 5,05,000 का, सॉरी 5,95,000 का। तो इसका हाइड्रोलिक में पेलोड वो कितना है? हाइड्रोलिक में कितना केजी तक? ये 1,000 kg की लिफ्ट है इसकी। 1,000 kg की लिफ्ट जी। तो चलो और बताइए आप। 1,000 kg की इसकी लिफ्ट है। अभी इसमें ऑयल ब्रेक दिया गया है। हाँ, और पिछले जो टायर है, रियर जो टायर होते हैं वो दिए हैं 1,328 के। अच्छा अच्छा, अपोलो के टायर दिए गए। ये यहाँ पे इसके यहाँ पे मीटर दिया गया है ऊपर। अच्छा, और ये पावर स्टीयरिंग आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिया है नीचे से यहाँ से। कितने गियर इसमें टोटल? इसमें 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स, 4 फॉरवर्ड 4 रिवर्स। 4 रिवर्स है। सीट कटवानी पड़ेगी, सीट एडजस्टेबल दे रखी है यहाँ पे इसमें, जिससे क्या है कि आपको बीच में स्पेस ज्यादा मिलता है कस्टमर को, किसान को ऊपर चढ़ने और उतरने में, बैठने में बड़ा आरामदायक फील होता है। 540 PTO दे रखे हैं यहाँ पे, ये लीवर दिया है इधर, यहाँ पे 540 PTO दिया है इसमें। अभी अपन इसके हाइड्रोलिक के बारे में बात करते हैं। हाँ। जो इसका हाइड्रोलिक दिया है
ये 1200 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है इसकी। 1200 केजी की। अभी इसमें एक जो फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड किया गया है किसानों के लिए, वो ये किया गया है कि यहाँ पे जो ही जो इसका ये दे रखा है ना हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें थ्री लिंकेज जो थ्री पॉइंट कट करना पड़ेगा। बताइए आप किसान भाइयों के लिए ये सबसे अच्छी जो एक नया फीचर जो कंपनी ने इसमें ऐड किया है ट्रैक्टर में, वो जो इसकी लिफ्ट दी गई है उसके तीन पॉइंट दिए गए हैं। ये तीन पॉइंट जो है आपको जुताई करने में मदद करते हैं, अच्छी जुताई करने में। इससे क्या है आपका इम्प्लीमेंट इजीली लगता है। और इसका मेन काम क्या रहता है, जो यूटिलाइज रहता है इसका, तो ये है कि ये जो ऊपर वाला हॉल है वो ये है बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी के लिए। अच्छा अच्छा। और जो सेंटर वाला हॉल है ये दिया गया है इसका मीडियम मिट्टी के लिए। जैसे कि बहुत हार्ड मिट्टी है तो उसके लिए क्या है नीचे वाला हॉल दिया गया है। अच्छा, तो इसमें अपना कल्टीवेटर आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें ये है कि जैसे आपका कल्टीवेटर जमीन के हिसाब से अगर अपन लगाते हैं तो सेंसिंग अच्छी करता है। अच्छा अच्छा। सेंसिंग अच्छी करेगा तो यहाँ सेंसिंग करेगा इस तरीके से। अच्छा, जैसे बराबर से। अगर वो ज्यादा नीचे जाके सेंस करेगा तो जो हाइड्रोलिक होता है वो उसी हिसाब से काम नहीं कर पाता, जिससे क्या है कि ज्यादातर किसानों को खेत में जुताई करने में दिक्कत आती है। मतलब पूरा ध्यान रखा गया, पूरा ध्यान रखा गया है खेत में। ये इसमें नीचे जो दिया गया है हाइड्रोलिक आर्मो के साथ थ्री इसमें स्टेबलाइजर बाल दे रखे हैं। अच्छा, बार दे रखे हैं। पहले क्या चेन सिस्टम आता था, अभी ये चेंज किया है, जिससे क्या है कि पीछे जो थ्री लिंकेज पॉइंट इनकी भी आर हाइड्रोलिक आर में है, इनको मजबूती मिलती है और इम्प्लीमेंट ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, जिससे क्या है कि कोई नुकसान या लॉसेस नहीं होता। तो इनकी भी क्या है लंबाई थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके पॉइंट दे रखा है, कील, ये कील दे रखी है। और अगर जैसे कि किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि इसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हो आप यहाँ से। यहाँ पे इसका हॉल दे रखा है। अच्छा, जो इसका हॉल दे रखा है तो अगर किसी ने उसको इनको चाहिए कि ये इसकी लिफ्ट है वो ज्यादा नीचे जाए तो उसके लिए ये यहाँ से हटा के उसको यहाँ पीछे वाले पॉइंट में डाल सकते हैं और नीचे चली जाएगी और नीचे तक जा सकती है। और थोड़ा अपर करना तो आ गया होगा। अपर कर सकते हैं एडजस्टमेंट, जैसे ट्रॉली होती है, ट्रॉली कहीं रेत वाली जगह पे खड़ी होती तो वहां पे क्या होता है कि ट्रॉली के वेट के हिसाब से ट्रॉली थोड़ी नीचे चली जाती उसका जो स्टैंड होता है, तो उसके लिए भी ये कारगर है कि अगर इसको आप यहाँ से खोलोगे, जहाँ से खोल के आप इसको आगे एडजस्ट करोगे तो इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, वो नीचे चला जाए। ये लाइट है पीछे दे रखी है ट्रॉली के लिए, पीछे देखने के लिए, एक प्यारा सा रोशनी के लिए टूल बॉक्स। जी टूल बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा है। ये फोन चार्जर के चार्जिंग के लिए दिया है, पिस्टल बोतल के लिए है जी, ये चार्जिंग के लिए। खोल के दिखाने बारे दिखाई देते हैं, देखिए 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है। और यहाँ पे पानी की बोतल के लिए, किसान के लिए, कस्टमर के लिए दे रखा है। ये रिफ्लेक्टर है इसका। और इसमें जो सीट एडजस्टेबल पहले भी बताया गया था लेकिन थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से। अच्छा। ये जो दे रखा है पीछे जो इसके निशान दे रखे हैं, ये जी ये 20 केजी तक जितना किसी भी कस्टमर का वेट है वेट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं सीट को। अच्छा। उस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल चल जाएगा आराम से। आगे आ जाए, सिंगल क्लच ट्रैक्टर है ये। अच्छा, फायदा सिंगल क्लच का? ऑयल ब्रेक है, जो 39 HP तक ट्रैक्टर आते हैं वो सिंगल ही आते हैं। अच्छा अच्छा। सिंगल क्लच का क्या होता है कि सिंगल क्लच में जब अपन पीटीओ पे चलते हैं तो अगर अपन उसको रोकते हैं तो ट्रैक्टर रुक जाता है और पीटीओ भी रुक जाती है। ड्यूल क्लच में क्या होता है कि जब अपन चलते हैं तो जो ट्रैक्टर है वो रुक जाता है, पीटीओ चलती रहती है। ये डिफरेंस होता है ड्यूल क्लच और सिंगल क्लच में। ये बैटरी बॉक्स, यहाँ पे बैटरी दे रखी है, एक्साइड की है। ये एक्साइड की, एक्साइड की बैटरी है इसमें। और बाकी यहाँ पे एक लॉक दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए। कैसे? ये लॉक होता है कि जैसे इस पे आप ताला लगा सकते हो, अगर कहीं आप मार्केट में जा रहे हो और इसको ताला लगा के जाओगे। अच्छा। तो ताला लग जाएगा तो आपके ट्रैक्टर की, आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी रहेगी। अच्छा अच्छा। यहाँ पे लग जाएगा इसको ऐसे करके, संगल लगा के। अच्छा। ऐसे चेन लगा के लग जाएगा इसके साथ, यहाँ लॉक लग जाएगा, पूरा देसी जुगाड़ करके। बिल्कुल बिल्कुल। और रेडिएटर इसमें थोड़ा बड़ा दिया है दूसरे ट्रैक्टरों के मुकाबले। अच्छा, वैसे तो इंजन को ये खोल के देखने जरूरत है नहीं, इंजन तो पूरा वैसे दिख रहा है इसका। तो
अब इसके अलावा इसकी रेट आपने बताई थी 6,11,000 बिल्कुल ऑन रोड, और जो मैनुअल था उसकी ऑन रोड 5,95,000। तो अभी जैसे शोरूम में इसकी लोकेशन है किशनगढ़ रनवाल चोमू रोड, ये अभी जस्ट अभी न्यू खुला है तो जिसकी ओपनिंग हुई है तो ये न्यूली लॉन्च यहीं पे कर दिया। ये सर स्पेशली आए हैं हमारे लिए, ये बैठे थे आराम से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार मेरा और धन्यवाद आप लोगों को। तो भैया एक बार नंबर बता दो यार। 9 7 8 4 6 6 2 4 1 भैया नोट कर लो और कॉल करके एक बार जरूर क्वेरी जरूर लेना, अगर लेना भी नहीं है तो अगर मन बने आसपास के जितने भाई हैं किशनगढ़ रनवाल के तो स्वराज का पहला शोरूम है, इसके बाद में डायरेक्ट जयपुर है और कहीं नहीं है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, अगर वीडियो को प्यार जरूर देना हमारे को।